साथियों कैसे आप सभी, आज पूरा एग्जाम्पल परिवार आप सभी का स्वागत करता है। तो आज एक बहुत ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन आ गई हम लोगों के साथ, जैसा कि आप सुबह से सुन रहे होंगे कि हमारा जो मुख्य चैनल है, हमारा जो मेन चैनल है, हमारा जो मतलब मुख्य चैनल अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल, हम उस पर सुबह से कोई वीडियो लाइक नहीं कर पा रहे, अपडेट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। अब सुबह सबको खबर पता चली होगी कि आज ट्विटर पर भी बहुत बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक हुए, बिटकॉइन मांगी। तो सेम टू सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई। हम जब सुबह 5:30 बजे मतलब 5 बजे उठकर की तैयारी करते, तो 5:30 बजे एडिटर आके बताते कि हमारे जो एग्जाम्पल चैनल है उस पर एक बिटकॉइन जैसी वीडियो आई है और लगभग उस पर 50,000 लोग देख रहे हैं। तो मैं चौंक गया, मैं समझ गया, उसे मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, मैं समझ गया कि हमारा चैनल वो हैक हो चुका है। उसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सिक्योरिटी रखी, हम लोग टाइटल रखते सिक्योरिटी सब रखते, लेकिन रैंडम में जब इतने लोगों के हो सकते हैं तो हमारा भी हुआ। तो वो लाइव हमने अपनी यहाँ से, क्योंकि तब तक उसने हमें ऐसा नहीं है, इस तरह की आईडी होती है, तो मालिक का हक होता है। एक होता है मैनेजर, जो मैनेजर होता है वो वीडियो चला सकता है, डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हमारी जो मैनेजर वाली आईडी थी वो हैक हुई थी, उससे जितने चैनल। तो आप अपने ये सब देख लिया होगा, जैसे कि विवेक सर ने बताया कि इनका चैनल हैक हो गया है। तो जैसे कि मैंने भी शुरुआत में विवेक सर से पढ़ा था, तो उनके सपोर्ट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोगों को ना कोशिश करनी है कि ब्रिंग बैक करना है एग्जाम्पल को। तो जैसे सर ने बताया कि हैशटैग ब्रिंग बैक एग्जाम्पल, इस तरीके से एक अभियान चलाना है ट्विटर पर। अगर आप लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं तो सर के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और हैशटैग सपोर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि हुआ कैसे, कैसे सर का चैनल हैक हो गया, किस तरीके से इसमें दिक्कत आई और बिटकॉइन क्या है, इस सारी चीज़ के पीछे जो बिटकॉइन का हल्ला हो रहा है और ये इससे कैसे ये लोग पैसे कमा रहे हैं। हैकर्स केवल बिटकॉइन ही क्यों मांग रहे हैं, सीधे पैसे क्यों नहीं मांग ले रहे। तो सारी बातें जो शुरू होती हैं वो ये है कि एक तो पहले तो सर ने जैसे ही सुबह उठ के देखा कि सुबह सुबह जब करंट अफेयर की वीडियो डालनी है तो इन लोगों का चैनल हैक हो गया। तो जब ही से देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों को मैं भी समझा देता हूँ कैसी चीज़ें हुई। तो जैसे ही कुछ हैकर्स जो होते हैं उन लोगों ने इनका चैनल हैक किया और हैक करने के बाद उस पर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। दो वीडियो आई और वो किस चीज़ से रिलेटेड थी वो मैं ऐसे इस तरीके से समझाता हूँ। उसके समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, देखो ये जो जेमिनी ब्रदर्स हैं, इस तरीके से उन्होंने 5,000 बिटकॉइन गेटवे। बिटकॉइन क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का क्या होता है कि आपको ना ये वर्चुअली होती है, नेट पर होती है। जैसे आप ऐसे समझो कि आपने ना किसी को पेटीएम पे 500 रुपये भेजे और उसने 500 रुपये का यूज़ कर लिया, तो आपने उसे सीधे हाथ में जाके 500 रुपये नहीं दिए। इसी तरीके से बिटकॉइन होता है, इसकी भी एक करेंसी है और ये आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में चल रही है। तो कुछ दिन पहले का ही मामला, एक के 2 से 3 दिन पहले का, कि उसमें इन्होंने ट्विटर पर मैसेज अटैक हुआ था, व्हाट वी नो आफ्टर एप्पल, बाइडन, ओबामा, मस्क। देखो आपने सुना होगा अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट हैं ओबामा, इस समय जो ओबामा की जो पार्टी है ना उसी से खड़े हो रहे हैं चुनाव में बाइडन, और मस्क जो हैं टेस्ला कंपनी, जिनकी बड़ी बड़ी कार्स वगैरह आती हैं, और जितना कि उन्होंने जैसे अपने इसरो है ना, ऐसे ही अमेरिका में प्राइवेट प्लेयर है मस्क, एलोन मस्क की कंपनी, ठीक है। तो इन सब से उन्होंने क्या डिमांड किया, बिटकॉइन स्कैम चालू हुआ है। ये कैसे हुआ है इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आपको। देखो ये जो बाइडन का ट्वीट है, आई एम गिविंग बैक टू द कम्युनिटी ऑल बिटकॉइन सेंड, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि जो COVID-19 हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए आप मेरे को $1,000 दो और मैं आपको $2,000 वापस दे रहा हूँ, केवल 30 मिनट के लिए चालू हुआ है, ठीक है। ये बराक ओबामा आप लोग जानते होंगे, पुराने प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनके साथ भी, उनके अकाउंट से भी ऐसा ही हुआ। 1,000 रुपये मांगे गए और $2,000 वापस देने का वादा किया गया, $2,000। तो ये इस तरीके से स्कैम चल रहा है। और बाकी जो एग्जाम्पुर का एक और चैनल है, एग्जाम्पुर डिफेंस वॉरियर, उस पर क्लासेस चालू हैं और उस पर एग्जाम्पुर की क्लास कंटिन्यू चल रही हैं। बाकी हम लोगों को ट्विटर पर सर को सपोर्ट करना है, एग्जाम्पुर चैनल को सपोर्ट करना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी चैनल वापस आ सके, ठीक है। और आजकल ये बिटकॉइन का स्कैम बहुत चालू हो गया है, तो बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि 2-लेयर सिक्योरिटी रख रहे हैं। और बहुत सारी खबरें तो ये भी निकल के आ रही हैं कि जहां विवेक सर पहले जुड़े हुए थे ना जिस चैनल पर, उन लोगों ने सर का चैनल हैक करवा दिया है। तो अब ये इसमें कितनी अफवाह, कितनी सच्चाई, ये सब तो कुछ टाइम बाद पता चलेगा, मगर हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए जितना जल्दी से जल्दी चैनल वापस आ सके सर का, तो उसके लिए पूरा दिल से कोशिश करेंगे। आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करना एग्जाम्पुर को, और अपने भी जितने भी आपके अकाउंट हैं ना, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको भी हैक किया जा रहा है, तो उनके भी जितना हो सके आप पासवर्ड्स वगैरह चेंज करते रहा करो, ठीक है ना। जैसे 10 दिन 15 दिन पे चेंज करते रहना चाहिए, और ये ना टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा भी रहता है, तो हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो अब इस चीज़ पे ध्यान देना। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं केवल यही बताना चाह रहा था, जिस तरीके से ट्विटर के अकाउंट्स हैक हुए ना, ट्विटर वालों ने तो खुद कहा कि हमारे यहाँ के जो खुद के हमारे वर्कर्स हैं उन्हीं में से किसी ने ये सब करवा दिया। तो इसी तरीके से अब विवेक सर का चैनल हैक हो चुका है, अब एग्जाम्पुर पर कोई भी वीडियो नहीं दिखेगी आपको, इनका जो मेन चैनल है एग्जाम्पुर का। तो आपको अगर कोई इनसे क्लासेस लेते हो तो एग्जाम्पुर डिफेंस वॉरियर पर ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी सर को सपोर्ट करते हैं और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी जितने भी अपडेट आएंगे ना इस चीज़ से रिलेटेड, जितने भी अपडेट होंगे
एग्जामपुर चैनल से रिलेटेड, अगर एग्जामपुर अगर लाइव हो गया, चैनल स्ट्रीम करने लगा, तो मैं उसकी भी जानकारी दे दूंगा आपको। और सपोर्ट करिए, बने रहिए इस चैनल के साथ भी, और सर का सपोर्ट करिए, ट्विटर पर अभियान चलाइए, और जो ये चालू किया है सर ने, ये एक बार और देख लीजिए आप ट्विटर पर कि @TeamYouTube और @YouTubeIndia, @GoogleIndia, #BringBackExampur, इन सब को रीट्वीट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रीट्वीट करना है और हमें सपोर्ट करना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। जय हिंद, जय भारत।